सलमान खान का धमाकेदार शो बिग बॉस 16 इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है। बीते दिन बिग बॉस 16 में नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई, जिसमें प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे, शालिन भनोट और टीना दत्ता घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान शिव ठाकरे और प्रियंका चहर दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इतना ही नहीं, इस बहस के बीच शिव ठाकरे ने प्रियंका चहर चौधरी को सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी कह दिया, जिसे लेकर वह लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने न केवल शिव ठाकरे को जमकर ट्रोल किया, बल्कि बिग बॉस मराठी में जीत पर भी सवाल खड़े किए। बिग बॉस 16 में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान प्रियंका चहर चौधरी ने कहा कि मंडली उन्हें अपना निशाना बनाना चाहती है और उनके खिलाफ मिलकर खेल रही है। एक्ट्रेस ने कहा, पूरा घर मेरे खिलाफ होकर खेल रहा है। उनकी इस बात पर शिव ठाकरे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी। शिव ठाकरे को ऐसा कहता देख प्रियंका चहर ने उन्हें मना किया और कहा, नाम मत ले उसका। प्रियंका चहर चौधरी के बार बार मना करने पर भी वह न रुके। शिव ठाकरे की यह बात सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को जरा भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने शिव ठाकरे पर निशाना साधते हुए लिखा, शिव आज और नीचे गिर गया। वह अपनी बातों में सिद्धार्थ शुक्ला को घसीट लाया, जिसका कुछ लेना देना नहीं। प्रियंका ने उसे मना भी किया। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेना शिव ठाकरे द्वारा अपनाया गया सबसे घटिया तरीका है। अच्छा हुआ कि प्रियंका ने उसे चुप करा दिया, लेकिन शिव ने उसे बिग बॉस का विजेता बना ही दिया। एक यूजर ने शिव ठाकरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, बाहर निकालो इसको। प्रियंका चहर चौधरी ने शिव ठाकरे को सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने से मना किया था। इनकी इस बात पर दर्शकों ने उनकी सराहना की। एक यूजर ने लिखा, प्रियंका ने शिव से कहा कि सिद्धार्थ का नाम ना ले, आज मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है। वहीं दूसरा यूजर लिखा, शिव ने प्रियंका को सिद्धार्थ की कॉपी कहा, यह तो तारीफ हुई यार, सीजन 13 में वह विजेता बना था और सीजन 16 में वह विजेता बनेगी।